आखिर सपा बसपा कांग्रेस ने तो केवल माफिया यहाँ दिए थे, अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, विकास ठप पड़ा हुआ था। और बहनों और भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में बनी हुई तोप गरजती है ना बॉर्डर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों की पैंट भीगती है। सबसे पहले हमीरपुर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में महोबा जनपद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन पर सीधा निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब की बार केंद्र में मोदी की सरकार बनी तो बुंदेलखंड को भी नोएडा के तर्ज पर बनाया जाएगा, जिससे लोगों का पलायन रुकेगा और साथ ही यहां के लोग रोजगार के लिए भटकेंगे नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन जाएंगे। आखिर सपा बसपा कांग्रेस ने तो केवल माफिया यहाँ दिए थे, अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, विकास ठप पड़ा हुआ था। और आज डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में, एक नहीं दो दो नोट, झांसी से लेके चित्रकूट तक पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया। हम लोग बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मैं बधाई देता हूं बुंदेलखंड वासियों को। अब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान बुंदेलखंड से प्लान नहीं करेगा, एक बार हमें इस योजना को लागू करने दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं बुंदेलखंड का नौजवान तो यहां नौकरी पाएगा ही पाएगा, और बुंदवा नौकरी देने वाला हम उसको बना देंगे और दुनिया आपके पास नौकरी की भीख मांगने के लिए आएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, इंडिया गठबंधन के साथ सीएम योगी ने पाकिस्तान को भी अरे हाथ लेते हुए बोले, बुंदेलखंड की बनी तोपे बॉर्डर पे गरज रही है और पाकिस्तान की पेंट ढीली हो रही है। और बहनों और भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में बनी हुई तोप गरजती है ना बॉर्डर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों की पेंट भीगती है। सबसे पहले इनकी हालत खराब होती है, और इसीलिए जब चुनाव आ गए हैं, मोदी जी का विरोध दो ही लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं? एक जो रामद्रोही है और दूसरा जो पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। पांचवें चरण के मतदान को लेकर सत्ता दल पूरी ताकत झोंक चुकी है। मिशन यूपी की कमान खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। यही वजह है कि हमीरपुर लोकसभा के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में महोबा शहर के डाक बंगला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा और कांग्रेस को अरे हाथ लेते हुए कहा, इन्होंने प्रदेश को केवल माफिया दिए हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बसपा सपा ने लूट मचाई थी। सीएम योगी ने कहा कि यहाँ के लोगों ने सिर्फ माफिया पैदा किया है, जनता का शोषण किया है और यहाँ के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई। अब की बार आप लोग वोट की मार दीजिए और इनकी जमानत जब्त कीजिए। बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने कितना बड़ा अन्याय किया, कितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, यहाँ नदी है, यहाँ नाले हैं, यहाँ खनन है, यहाँ पर्यटन की संभावनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहां पर माफिया तो पैदा किए थे, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई जंगल के डकैत, लेकिन यहां की जनता के साथ, यहां के विकास को अवरुद्ध करके यहां की जनता का उन्होंने शोषण किया है, उनके विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ है, जबकि भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। आप सोचिए कि कितना सुधार हुआ है, जबकि पाकिस्तान में रोज आंदोलन हो रहे हैं, 1 किलो आटे के लिए छीना झुकती हो रही है। यहाँ के जो लोग पाकिस्तान का राग आलाप रहे हैं, यदि पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान चले जाओ ना, भारत पर बोझ क्यों बन रहे हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी का महासचिव कहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है, जिस पे सीएम योगी ने प्रतिक्रिया देते हुए बोले कि राम मंदिर अब भारत में नहीं बनेगा तो इटली में बनेगा क्या। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पाकिस्तान की जितनी आबादी उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ गरीबी से उभरे हैं,
और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल रहे हैं, 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है, ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं इनसे बोलो कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो, जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो।